गोरखपुर जिले में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। जिले में अब तक बृहस्पतिवार को 202 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें न्यायालय में कर्मचारी सहित डॉक्टर समेत अनेक लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,270 हो गई है। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि इनमें 125 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वहीं जिले में अभी तक 2,741 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। बृहस्पतिवार को जो 202 नए मरीज मिले हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 90 हैं, जबकि 99 मरीज ग्रामीण क्षेत्र में शामिल हैं। आपको बता दें, CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी से मिली जानकारी के अनुसार गोरखपुर जिले में बृहस्पतिवार को 202 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसमें 2,741 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 4,168 होम आइसोलेशन और हो चुका है। 125 की मौत हो चुकी है। 1,236 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, जिसमें शहर में 90 मरीज गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 99 मरीज ग्रामीण क्षेत्रों के थे। गुरुवार को 202 कोरोना नए मामले आए हैं, जिसमें शहर में 90 और ग्रामीण क्षेत्रों में 99 हैं। 13 अन्य स्थानों पर मिले हैं, जिसमें शाहपुर थाना क्षेत्र में 14, गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 7, कैंट क्षेत्र में 38, राजघाट में 4, तिवारीपुर में 5, कोतवाली में 9, रामगढ़ ताल क्षेत्र में 2 और गुलरिया क्षेत्र में 9 व चिलवा ताल में 2 मरीज पाए गए हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में बांसगांव में 2, गगहा में 1, खोराबार में 12, सहजनवा में 14, भटहट में 2, खजनी में 3, पिपरौली में 9, सरदारनगर में 7, चरगावा में 17, जंगल कौड़िया में 3, पिपराइश में 8 और बेलघाट में 1, गगहा में 1, पिपरौली में 9, ब्रह्मपुर में 3 मरीज के साथ साथ 13 अन्य मरीज भी पाए गए हैं। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि इसके बाद जिले में संक्रमितों की संख्या 2,741 हो गई है। इनमें से 1,236 ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि कुल 4,168 ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस 2,741 है।